रियलेशन पढ़ने वाले, रियल वाले इंटरेस्टिंग मतलब अच्छा से क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस टॉपिक में से बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं ठीक है तो जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर कर दो और अपन पढ़ाई करेंगे नोटबुक्स अपनी अपनी ले आना क्योंकि काफी कुछ लिखने का है बहुत सारे डेरिवेशन वगैरह सब है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जस्ट अ सेकेंड हम रिमोट ऑन कर दें ओके okay. तो सबसे पहले तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पांच फॉर्मूले तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी के किए थे के में और उसके अलावा तीन फॉर्मूले मैंने तुम्हें करवाए थे वेलोसिटीज के जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज होती हैं आर वेलोसिटी एवरेज वेलॉसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलॉसिटी ठीक है तो आप जल्दी से वो जो आपने पिछली बार का कंटेंट किया था उस बेसिस पे 2013 का जेई का ये क्वेश्चन करके दिखाओ बाय हाउ मेनी पोल्स द टेम्परेचर ऑफ अ गैस वुड इंक्रीज व्हेन द रूट मीन स्क्वायर यानी रमेश वेलॉसिटी ऑफ अ गैस

क्या रहे शिवम कितना पढ़ना है तुझे कल भी क्लास ले लीजिएगा रोज क्लास ले लू सुबह शाम क्लास ले लू हां थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करो नमन पूछ रहा है ए आंसर है क्या रजनीश पूछ रहा है सी तो किस बात की सॉरी मांग रही मुझे याद नहीं आ रहा गुड आफ्टरनून वरुण कल तुम लोग की क्लास है ठीक है टुमोरो विल बी योर क्लास वन और फोर में कंफ्यूजन चल रहा है और पवन सी भी आंसर कर रहा है ठीक है तो वन और फोर में मेजर कंफ्यूजन चल रहा है बिटू देखो मैं इसी बहाने तुम्हारे फॉर्मुलाज रिवाइज करा दू वेलोसिटी रमेश आरएमएस याद है कितनी थी याद है खुद को तो चेक करो वीडियो को पॉज करो रूट ऑफ थ्री आर टी बाई एम है ना वेलोसिटी एवरेज एवरेज कितनी थी बताना जरा एक घटिया सा नंबर वो घटिया सा नंबर क्या था रूट ऑफ ठीक है ओके okay. वेलोसिटी Most probable MP. क्या थी सबसे कम ठीक right. है अब इसने किसकी बात की इसने रमेश वेलोसिटी की बात की रमेश वेलोसिटी का अगर हम टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखें ठीक है तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ टी के बराबर हो जाएगा तो वो कह रहे हैं टेम्परेचर को कितना बढ़ाया होगा कि दो गुना हो गई है बेटू पांच से दस हो गई है पावर सेम है तो रमेश टू हो ना तो करेक्ट आंसर क्या है वन यानी कि फोर ए वाले बच्चे सारे सही वेरी नाइस nice. अच्छा फोर जो बोल रहे थे ओके रमन कह रहे हैं फोर जो बोल रहे थे ना वो हम वही बोल रहे थे कि फोर टाइम्स हो गया अभी यार ओके चलो अब हम शुरू करते हैं uh, है हा मैं काफी रिकवर्ड हूं वरुण मतलब मुझे बेटर फील हो रहा है हम आइडियल एंड रियल गैस पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है आई नीड यू हंड्रेड परसेंट फोकस और एक बात पक्की किताबों से समझ में नहीं आएगा ये गारंटी है मैं ले रही हूँ ये गारंटी किताबों से समझ में नहीं आएगा ठीक है ये चीज जब पढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो हम लोगों को भी टाइम लगा था इस चीज को समझने में तो मैं तो बुक्स समझ में नहीं आती है बट वी विल यू नो अंडरस्टैंड इट बाई वेरी वेरी इजी मेथड तो समझो इसको थोड़ा फोकस अच्छा रखना चैट्स में कम ध्यान क्लास में ज्यादा ध्यान हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी एक किसी क्लास में और आइडियल गैस इक्वेशन थी पी वीज इक्वल्स टू एनआरटी ठीक है पीवी इज इक्वल टू एनआर क्या सारी गैसेस इस इक्वेशन को ओबे करती हैं मेरा जवाब है नहीं करती हैं यानी रियल में जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती हैं उनके प्रेशर एंड वॉल्यूम डालने से प्रेशर एंड वॉल्यूम को इस इक्वेशन में डालने से वो एनआरटी के बराबर नहीं आती हैं तो बच्चे कहेंगे मैम ये क्या बवाल है यार इतने दिनों से तो आप आइडियल गैस इक्वेशन करा रहे हो इतने न्यूमेरिकल्स करा रहे हो इतने लॉस करा रहे हो सडनली आपने हमें शॉक कर दिया एकदम से शॉक दे दिया कि भैया ये क्या चक्कर है तो बेटा यही होता है ठीक है इसी की डिटेलिंग आज पढ़नी है कि अब तक जो हम पढ़ रहे पर क्या मैं परफेक्ट हूँ तुम परफेक्ट हो हम में से कौन परफेक्ट है जो गैस परफेक्ट हो जाएगी तो अगर गैस परफेक्ट होती तो वो इस इक्वेशन को ओबे करती है लेकिन रियल गैसेस परफेक्ट बिहेवियर शो नहीं करती हैं और उनके लिए इक्वेशन होती है पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी ठीक है सो अ गैस अगैस जनरल इक्वेशन ऑफ उसको हम कहते हैं परफेक्ट गैस या आइडियल गैस लेकिन इन जनरल जो गैसेज होती है वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं नॉन आइडियल या फिर रियल गैसेज लेकिन मैं तुम्हें पूरा रीजन इसके पीछे का समझाने वाली हूँ ठीक है तो सबसे पहली चीज है कि लफड़ा कहाँ है कहां से ये लुच आया है कि हमारा ये जो आइडियल क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था ये जो अपने आइडियल गैस इक्वेशन है ये के पे बेस्ड है एक चीज बोली थी फॉल्टी एजाम्शन हैं अगर वहाँ जड़ में ही खोट होगा तो पौधे में तो खोट आए गई ना तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ फॉल्टी एजाम्पन्स हैं जिनके चलते जो रियल गैसेज है वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती है वो फॉल्टी एजाम्पन्स क्या थे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ एक एग्जाम्शन ये था कि कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है गैस का खुद का कुछ वॉल्यूम नहीं होता क्या तुम ये बात मानते हो कि गैस का खुद का कुछ वॉल्यूम नहीं होता एग्जाम्शन नंबर वन में कहा गया है कि गैस खुद कुछ भी वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करती है और उनको पूरा पूरा स्पेस जो है ये अवेलेबल होता है घूमने के लिए ये गलत है गैस खुद कुछ भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती है ये सरासर गलत है हाँ गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम वॉल्यूम के सामने काफी कम होता है दैट वी एग्री बट होता ही नहीं है वॉल्यूम तो ये तो गलत हो जाएगा ठीक है तो दिस वाज द रॉन्ग अजम्पशन फ्रॉम केटीजी एंड वन मोर अजम्पशन हमें ये कहा गया था कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का सारा लिया था केटीजी के अंदर मैंने कहा था बेटा किसी चीज़ को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे बगल में आके बैठ जाएगी तो तुम्हें बड़ा अच्छा अच्छा फील आएगा लेकिन अगर किसी चीज को तुम पसंद नहीं करते तुम्हारी क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको देख के तुम्हारा मूड खराब हो जाता है कि यार इसको कहाँ मेरे पास बैठा दिया तो वो जितना पास बैठेगा आपके फेस के एक्सप्रेशन जो है वो खराब हो जाएंगे और आपकी एनर्जीज बढ़ जाएंगी ठीक है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जीज डिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड करती है लेकिन जब इंटरेक्शन ही नहीं मानते ये लोग के वाले कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है एक दूसरे में कोई नहीं इनको इंटरेस्ट ठीक है तो जब इंट्रैक्शन ही नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो पॉस्टूलेट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में होते नहीं है तुम तो अग्री करते हो कि यार हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े लिखे हैं हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वॉन्डरवल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं डू यू अग्री विद मी और नॉट कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वॉन्डरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से खींचते हैं लेकिन ये पता क्या कहते हैं ये कहते हैं कुछ नहीं खींचते कोई नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में तो दीज वर टू फॉल्टी जिसकी वजह से जो इक्वेशन सेट उसको रियल ओबे नहीं करती तो हमने अब क्या करना है आज का हमारा ठेका क्या है वो सुनो आज हमको करेक्शन इक्वेशन में और रियल गैस इक्वेशन डिराइव करनी है बहुत ही प्यारे तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ ठीक है डेरिवेशन वगैरह बहुत अच्छे से ना केवल पढ़ाऊंगी मैं लर्न भी करवाऊंगी चैट में पूछ पूछ के फोकस मुझे तुम्हारा हंड्रेड परसेंट चाहिए अब सबसे पहली बात गैस के लिए एक गैस जिसको तुम कंटेनर में भर देते हो हमारा चैप्टर ही स्टेट्स ऑफ मैटर है हम गैसे स्टेट पढ़ रहे हैं एक गैस जिसको तुम कंटेनर में भर देते हो उसमें एक वो वॉल्यूम होता है जो कि आप आइडियली कैलकुलेट करते हो पीवी इज टू एनआर से मतलब आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना पीवी इज टू एनआरटी इसमें आप प्रेशर भर दो एनआरटी भर दो तो आपका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू तो आइडियल वो आ जाएगा ठीक है

कि जो वॉल्यूम आप नाप रहे हो मैं इसको मोलर वॉल्यूम लिख देती हूँ वन मोल का वॉल्यूम है ये आप नाप रहे हो और एक वो वॉल्यूम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना तो होना ही चाहिए तो नापा गया वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम का रेशियो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड कहलाता है बेटा ठीक है स्पैम करो बॉक्स में क्या जेड है Z है रेशियो ऑफ नापा गया वॉल्यूम इज टू वॉट आर एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ठीक है PV NRT में बाकी सारे पैरामीटर्स आप भर दो तो जो वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगी और जो वॉल्यूम तुम नाप रहे हो वो न्यूमरेटर में आएगा इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है ठीक है मूविंग अहेड आइडियल गैस वॉल्यूम को आप किससे रिप्लेस करते हो वी अपॉन ये इस इक्वेशन में वी की वैल्यू क्या है एनआरटी अपॉन पी v की वैल्यू है एन आर टी अपॉन पी सो ये वैल्यू निकल के आती है पी वी वी आपका नापा गया वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम अपॉन एन आर टी एंड फॉर वन मोल बिकॉज यूर टेकिंग मोलर वॉल्यूम इट विल बी इक्वल टू आर टी एन विल बी हटाउ फाइ क्योंकि आप मोलर वॉल्यूम नाप रहे हो ना तो मोल तो वन ही है फिर एन की वैल्यू में एन हटा दिया मैंने तो पी पी वी अपॉन आर टी तो दिस इज द एक्सप्रेशन छोटा सा क्यूट सा डेरिवेशन है एक्चुअली इसमें कुछ है ही नहीं कल ये सारे बच्चों ने

तो फिर तो z की वैल्यू वन है इसका मतलब आइडियल गैस है आइडियल गैस में आप जो वॉल्यूम नाप रहे हो वही वॉल्यूम आइडियली एक्सपेक्टेड भी है सो वी कैन से दैट ऑफर ऑल द गैसेस जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z होता है वो आइडियल गैसेस होती हैं वेल एक्सेप्टेड है ना फॉर ऑल द गैसेस जिनका नापा गया वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से मैच हो जाता है

ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इससे आगे जो डेरिवेशन आएंगे मतलब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बेटा इस जगह से बनता है जेई का क्वेश्चन वो मैं बताऊंगी बट उसके लिए ये सब चीजें आनी चाहिए पानी नहीं तो मैं अपना गला फिर से बिगाड़ लूंगी ओके <coughs> okay. चलो अब मैं पी वी वर्सेज पी का एक ग्राफ खींचूंगी uh, मैंने खाली स्लाइड लगाई लगाइए की हाँ द रियल गेम द रियल गेम बोल स्लो का फटाफट से फॉर्मूला चैट बॉक्स में सारे बच्चे लिखेंगे बोल स्लो बोल स्लो क्या था बोल्स लॉ बोल्स लॉ क्योंकि अपने दिमाग में याद करिए और फिर यहाँ पे मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैं ये कह रहा था जल्दी जल्दी बोल्स लॉ कह, कह, जल 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 कह रहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है बोल्स लॉ कह रहा था कि पीवी की वैल्यू एक कांस्टेंट है इज दैट सो पीवी इज टू कांस्टेंट वाज द एक्सप्रेशन फॉर बोल्स लॉ वेरी नाइस वेरी एवरी वन ठीक है क्या मैं इसका मतलब यह समझू कि अगर मैं पी को बढ़ते हुए प्रेशर के साथ प्लॉट करूं बोल लॉ के अकॉर्डिंग पीवी को बढ़ते हुए प्रेशर के साथ प्लॉट करूं तो वो कांस्टेंट रहेगा डज इट मीन दैट कि बोल लॉ के अंदर बढ़ते हुए प्रेशर के साथ भी आपका जो पीवी है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बढ़ते हुए प्रेशर के साथ भी पीवी को कांस्टेंट रखने का ठेका वॉल्यूम ने उठाया है वॉल्यूम ने उठाया हाउ कैसे जरा एक एक्सप्रेशन मतलब एक वैल्यूज रख के देखते हैं जरा क्योंकि इसको रिकॉल करेंगे ना तब फिर वो अपने को रियल गैस समझ में आएगी पी और वी की वैल्यू रख के देखते हैं लेटेस्ट से कि वॉल्यूम तुम्हारा ट्वेल्व है और प्रेशर इन सम यूनिट्स लाइक टू एटमोसफेयर टू बार है पी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है चौबीस फिर मैंने प्रेशर बढ़ाया प्रेशर मैंने क्योंकि मैं इस ग्राफ में प्रेशर बढ़ा रही हूँ तो मैंने प्रेशर बढ़ाया प्रेशर जब मैंने दो का चार किया तो मुझे आंसर चौबीस लाने के लिए वॉल्यूम घटा के छ करना पड़ेगा ठीक है फिर मैंने प्रेशर चार का आठ किया तो मुझे रिजल्ट चौबीस लाने के लिए वॉल्यूम घटा के कितना पर, करना पड़ेगा तीन करना पड़ेगा फिर मैंने आठ का सोलह किया तो सोलह चलो सोलह तक तो फिर वो फ्रैक्शन वगैरह में आने लगेगा तो लेट्स नॉट कंफ्यूज आर सेल्फ कैन यू अंडरस्टैंड दैट कि यार आपका जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम प्रपोर्शनेटली घट रहा है अकॉर्डिंग टू बोल्स इसीलिए तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है इसीलिए तो पी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट चल रही है क्यों कांस्टेंट चल रही है पी की वैल्यू क्योंकि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनेटली घटता है इन अदर वर्ड्स बढ़ते हुए प्रेशर के साथ भी पी को कांस्टेंट लगने की जिम्मेदारी वॉल्यूम की होती है और यही कारण है कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है वो घटता जाता है प्रोपोर्शनेटली घटता जाता है और ये बोल लॉ की कहानी थी जो कि आइडियल गैस से रिलेटेड है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है लेकिन

टू टी तो ये बात नहीं भूले हो ना तुम कि आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वन है तो ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर पीवी जो कांस्टेंट चल रहा है ये आइडियल गैस है ये बात सबको समझ में मी थम्स अप एक बात सबको समझ में आ गई

डेफिनेशन क्या है मैम बेटा जे में, में सिलेक्शन डेफिनेशन से नहीं होता अंडरस्टैंडिंग से होता है पिक्चर नहीं देखी तुम लोगों ने डेफिनेशन क्या है हम्म तो देखो पीवी पी के साथ और किस चीज की डेफिनेशन अभी तो कंसेप्ट चल रहा है ना की कौन सी डेफिनेशन होती है भाई तो पीवी इज इक टू कॉन्स्टेंट विद बढ़ता हुआ प्रेशर बट ना

ठीक है कौन सी की बात हो रही है हाइड्रोजन या हीलियम अब इसको समझते हैं क्योंकि है. तो है हाइड्रोजन और हीलियम आप याद करो जेड था क्या वॉट वॉज द वैल्यू ऑफ जेड जेड था आपका आप जो वॉल्यूम नाप रहे हो मोलर वॉल्यूम अपॉन जो वॉल्यूम आप आइडियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका मतलब आपके नापा गया वॉल्यूम हाइड्रोजन हीलियम के लिए हर बार आइडियली एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से ज्यादा आ रहा है एनी टाइम यू व्हेन यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम टाइप की गैसेस इन द सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व कि जो हम हम जो सोच रहे थे कि आइडियल गैस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम आना चाहिए था हर बार

पी जो था ये ट्वेल्व था तो पी की वैल्यू कितनी थी ट्वेंटी फोर थी ठीक है अब मैं बोल रही हूं जब हमने प्रेशर बढ़ाया लेट से मैंने प्रेशर टू का फोर किया तो ट्वेंटी फोर रखने के लिए तो वॉल्यूम जो है उसको कंप्रेस होकर के कितना हो जाना चाहिए था सिक्स हो जाना चाहिए था सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर तो हम ये नहीं कह रहे कि जब हम इस तरह की गैसेस पे प्रेशर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम घटेगा नहीं वॉल्यूम घटा लेकिन बेटू उतना नहीं घटा जितना हमने एक्सपेक्टेशन हमारी थी बारह से छ हो जाएगा लेकिन हुआ आठ तो एट फोर सा क्या हुआ पी भी बढ़ के थर्टी टू हो गया वॉल्यूम घटा पर प्रपोर्शनेटली नहीं घटा जस्ट गिव मी योर हंड्रेड परसेंट फोकस कि वॉल्यूम घटा लेकिन प्रपोर्शनेटली ना घटने की वजह से जो पीवी का प्रोडक्ट है वो बढ़ गया और हाइड्रोजन हीलियम फिर इसके बाद हमने लेट से कि वॉल्यूम जो प्रेशर है वो बढ़ा के आठ कर दिया दो का चार सात का आठ हम सोच रहे थे तो घटेगा हम सोच रहे थे तो आठ का चार हो जाना चाहिए पर आठ का चार नहीं हो पाया प्रपोर्शनेटली नहीं घटा आठ का छ हो गया ठीक है तो ये क्या चीज हो गई ये फोर्टी एट हो गया इसका मतलब विद द इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम इज नॉट डिक्रीजिंग इट इज डिक्रीजिंग बट इट इज नॉट डिक्रीजिंग डिकपोर्शनेटली ये घट रहा है पर ये पीवी को कांस्टेंट करने का जिम्मेदारी ढंग से नहीं उठा रहा है ठीक है इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट है पीवी का यू कैन सी दैट इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिड यू गेट दिस पॉइंट क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि क्यों हाइड्रोजन हीलियम टाइप की गैसेस के लिए ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से डिविएटेड नजर आया फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर क्या तुम्हें समझ में आया कि आइडियली हम सोचते थे कि किसी भी गैस के प्रेशर को डबल करने से उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा एंड दैट इज हाउ टीवीज केप्ड कॉन्स्टेंट विद द इंक्रीज इन प्रेशर बट रियल में हमने देखा कि इस टाइप की गैसेस के लिए वॉल्यूम घटा प्रेशर लगाने से गैस कंप्रेस हुई लेकिन उतनी नहीं कंप्रेस हो पाई जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी इसका इसका मतलब मतलब क्या बनता है इसका मतलब है कि नापा गया वॉल्यूम हर बार एक्सपेक्टेड वॉल्यूम वॉल्यूम से ज्यादा आ रहा है नापा गया हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे बेटा वॉल्यूम की वैल्यू हम 12 के बाद नेक्स्ट 6 एक्सपेक्ट कर रहे थे जब हम प्रेशर डबल करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए 12 से सीधा 6 तो हमारा एक्सपेक्टेशन छ का था और इसका नापा गया वॉल्यूम आठ है नापा गया वॉल्यूम आठ है एक्सपेक्टेशन का था तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन हो गया ना सवाल उठता है क्यों सवाल उठता है क्यों ये गैस हमारे अनुसार हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कंप्रेस ना हो पाई और जवाब है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये इतने छोटे छोटे होते हैं डू रिमेम्बर वॉन्डोबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो कि अब के टीजी तो मानता नहीं पर हम मानते हैं क्योंकि रियल में एग्जिस्ट करते हैं तभी हम मानते हैं तो डू यू रिमेंबर दैट थिंग कि जब हम बात करते हैं वॉन्ड वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो वो ज्यादा नहीं होते छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के दे आर प्रोपोर्शनल टू तो साइज और मास ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉन्डोवल फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू साइज एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वॉन्ड वाल फोर्सेज ज्यादा होते हैं जितने छोटे छोटे नन्ने नन्ने मॉलिक्यूल्स होंगे वॉन्डोवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है अट्रैक्ट ही नहीं करेगी गैस एक दूसरे को कंप्रेस कैसे हो जाएगी बताओ मुझे तो जब तुम प्रेशर लगा रहे हो तो तुमको लग रहा है यार

दो से आठ मतलब हमने प्रेशर चार गुना बढ़ा दिया एक्सपेक्टेशन थी वॉल्यूम फोर्थ रह जाएगा पर वॉल्यूम बारह से छह ही हुआ इसीलिए तो बढ़ता जा रहा है तो यह पैटर्न पूरा समझ में आया कि गैसेस कंप्रेसिबल नहीं है गैसेस लेस कंप्रेसिबल हैं जिनके लिए जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन है जिनके लिए नापा गया वॉल्यूम हर वक्त हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है और ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनमें ट्रैक्शन अच्छे नहीं होते हैं इन गैसेस को हम बोलते हैं लेस कंप्रेसिबल ठीक है क्लियर जी ओके अब मूविंग अहेड ये कौन सी गैसेस हैं जो जिनका जिनके लिए पी की वैल्यू ऐसे नीचे उतर रही है और फिर शोज ऊपर चढ़ रही है तो शुरुआत में इनके साथ क्या हुआ ये कौन सी गैसेस है मैम ये हमें जानना है कि ये कौन सी गैसेस हैं जो कि अलग ढंग से बेरुखी दिखा रहे हैं ना एक्सपेक्टेशन पे तो ना होगा खड़ी उतरी ना ये खरी उतरेंगी बट इनका स्टाइल कुछ डिफरेंट क्यों है बेटा ये बड़ी बड़ी गैसेज है इनके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं सीओ देख लो सी देख लो इवन तुम अमोनिया देख लो तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर लार्ज नफ या hydrogen, की बात करेंगे, तो उसमें हो जाती है तो जिस, जिस में गया। मैं तुम्हें यहां इसका डेटा लिख के देती हूं हमने प्रेशर इंक्रीज किया और वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा घट गया यहाँ प्रेशर यहाँ वॉल्यूम यहाँ पीवी चलो इस डेटा को भरते हैं सबसे पहले प्रेशर था टू और वॉल्यूम था ट्वेल्व और पीवी का प्रोडक्ट जो था वो था 24 हमने प्रेशर को बढ़ा के किया चार ठीक है और वॉल्यूम हमने सोचा छह हो जाएगा छह भी नहीं हुआ ये तो पांच रह गया ठीक है छह से भी कम हो गया मतलब हमने सोचा प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम आधा रह जाएगा आधा नहीं हुआ आधे से भी कम हो गया तो ये क्या हुआ यार हम जितना कंप्रेस कर रहे हैं उससे भी ज्यादा कंप्रेस ये खुद ही होते है चले जा रहे हैं

मैं कह रही हूँ इतना तो मैं जोर ही नहीं लगा रही मैंने कभी मैं तुम्हें डांटू और तुम ओवर सुधर जाओ तो मैं तुम्हें कूंग इतना तो मैंने डांटा ही नहीं इतना कैसे सुधर गए तुम मैं भी बहुत चक्की रह गई यार कि मैंने इतना क्लास में तो जरा सा बोला था और ये बच्चे तो दड़ा दड़ दर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो प्रेशर तो मैंने जरा से लगाए थे ये तो मेरे लगाए हुए प्रेशर से भी ज्यादा कंप्रेस होते जा क्यों क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनमें बॉन्डेबल ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं तो इनिशियली एक दूसरे को काफी अच्छा अट्रैक्ट कर रहे थे और इसीलिए बढ़ते हुए प्रेशर के साथ इनका पीवी का प्रोडक्ट डूब गया देखो ग्राफ के अंदर दिख रहा है तुमको डूब गया PV का प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते हुए प्रेशर के साथ डूब गया फिर बाद में क्या हुआ यार फिर बाद में पीवी का प्रोडक्ट फिर क्यों बढ़ने लगा जब हमने प्रेशर लगाया तो इनमें कुछ अट्रैक्शन थे बॉन्डबल अट्रैक्शन थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी कुछ था इनके अंदर कि जैसे हमने प्रेशर लगाया देवर देर विलिंग टू अट्रैक्ट टीचर वो एक दूसरे को खुद खींचना चाहते थे तो तुम्हारे प्रेशर ने उनको सपोर्ट किया जैसे कि एक मस्त सा एग्जाम्पल दिमाग में आया क्योंकि एमबी मैम तो एक्साम्पल ही तुम बोलते हो तुम्हारी क्लास टीचर क्लास में आती है और कुछ बच्चों को बोलती है कि तुम ना एक मिनट जैसे वो ग्रुपिंग ग्रुप नई नई क्लास टीचर बनकर आती क्लास में नई नई क्लास टीचर नई नई क्लास टीचर आई और तुम्हें से कुछ बच्चों को ग्रुप बना दिया कि भैया तुम इस तरफ होकर बैठो ठीक है तुम लोग इस तरफ होकर बैठो अब जिन बच्चों को आगे आगे या पीछे पीछे कहीं पे भी एक कॉमन लोकेशन अलॉट कर दी थी वो नहीं जानती थी कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं गैंग है पूरा तो सारे बच्चों को उठा के साथ और बिठा दिया कोई दूर भी था तो उसको भी तुम इधर इधर बैठ जाओ तो उन्हें नहीं पता था कि ये बच्चे तो आपस में ऑलरेडी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे तो जब उस टीचर ने उनको कॉमन एरिया अलॉट कर दिया कॉमन ग्रुप अलॉट कर दिया तो वहां पे बच्चे टिक के बैठ गए भैया कि अरे और, और टीचर ने सोचा कि डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे वो तो बहुत ही कड़क वाले वो कहते हैं ना चड़ी बड़ी यार जो होते हैं बिल्कुल वो थे तो वो तो नजदीक नजदीक होके बैठ गए बिल्कुल तो इतना तो टीचर ने सोचा ही नहीं था कि भैया ये इतना पास आके बैठ जाएंगे तो कुछ ज्यादा क्लोज होकर बैठ गए तो जितना तो प्रेशर नहीं लगाया उससे ज्यादा वॉल्यूम घट गया पर कितना एक हद से तो टीचर पास आ जाओ कितना पास आओ कोई चीज पास आते है भाई इधर आ पास आ जा तो अगर कोई हमें दूर से दोस्त दिखाई देता है तो एक तो हाई हेलो वाले दोस्त होते हैं और एक होते हैं बहुत अच्छे दोस्त जो हम हमसे अरे जल्दी आ इधर आ, इधर आ, इधरा आ। तो हम उसे पास बुलाते हैं तो पास बुलाओगे कब तक उसे वो पास आएगा पास आएगा पास आएगा, भाई बाई बाय बाय क्या कर रहा है यार ज्यादा पास नहीं होता है ना तो मोलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बट अप टू अ अटन लिमिट अप टू अ सटन लिमिट एक हद से ज्यादा नजदीक आएंगे ना एक हदसरा नजदीक आएंगे ना तो क्या होगा दूरट ये क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है इतना क्या पास आ रहा है तो रिपल्जियंस होने लगते हैं तो अट्रैक्शन होते हैं अप टू अ अर्टन लिमिट उसके बाद रिपल्जन होते हैं तो जैसे रिपल्जेंस तो वॉल्यूम वापस एक्सपैंड होना शुरू और पीवी फिर बढ़ना शुरू हुआ तो हम ये कह रहे हैं लो पे तो जो रियल गैसेस होती हैं उसमें कुछ ऐसी हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती नहीं उनमें होॉन्डोबल फोर्सेस कम होती है साइज बहुत छोटे होते हैं और कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो शुरुआत में तो एक दूसरे को बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर रही थी हम प्रेशर बढ़ रहे थे वॉल्यूम ज्यादा ही घटे जा रहा था लेकिन जब बहुत ही पास आ गए ना मॉलिक्यूल्स तब एक दूसरे को उखाड़ थोड़ी देंगे उधेड़ थोड़ देंगे फाड़ थोड़ी देंगे एक दूसरे में थोड़ी घुस जाएंगे मॉलिक्यूल्स

थम्स अप फॉर दिस पर्टिक्यूलर पॉइंट तो हमने मैं तुम्हें जब तक कि तुम थम्सअप दे रहे हो मैं इसलिए एक डेढ़ मिनट में रिवाइज करा देती हूँ कि वॉट ऑल वी हैव स्टडीड हमने आइडियल गैसिक क्वेश्चन पढ़ी पी वीज गा यार रियल गैस को फॉलो नहीं करती है आइडियल चीजें कुछ नहीं होती है ना आइडियल मैं हूँ ना आडियल तुम हूँ मम्मी पापा भी सोचते हैं आइडियली हमारा बच्चा बिहेव करेगा नहीं करता है रियल रियल बिहेवियर होता है एक

अब अगर नापा गया वॉल्यूम और आइडियली एक्सपेक्टेड वॉल्यूम बराबर थे तो Z की वैल्यू वन थी और ये इक्वेशन फिट बैठती है आइडियल गैसेस के लिए लेकिन अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन देन है है या स्मॉलर तो हम उनको रियल गैसेस बोलते हैं आ, वो परफेक्ट गैसेस नहीं होती है वो रियल होती हैं ठीक है तो ऐसी रियल गैसेस हमने कुछ ग्राफ स्टडी की और हमने एक स्टैंडर्ड ग्राफ बना दिया विच वॉज बोइल स्लो ग्राफ और वो जो कि आइडियल गैस इक्वेशन वाला ग्राफ था सिंपल चीज थम्सअप तो मिले नहीं मुझे थम्सअप दिए नहीं तुम लोगों ने मेरे को मुझे लग रहा है सुनने जा रहे हो तुम मेरी बात को ठीक है हाँ तो यहां पे हमने कहा दो तरीके की गैसेस हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है थेके? पहली गैस कौन सी थी छोटी छोटी तो छोटे छोटे नन्हे नॉलिक्यूल्स एच टू मॉलिक्यूल, हिलियम वगैरह छोटी छोटी गैसेस तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स वाली गैसेस थी इनमें हमने देखा कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम उतना नहीं घट रहा था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हर बार नापा गया वॉल्यूम हमारे आइडियली एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से ज्यादा आ रहा था क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेज में ये पहला स्टेज था मतलब ये पहला था ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था ये तीसरा था तो फर्स्ट टाइम प्रेशर हमारा टू एटमोसफेर था वॉल्यूम जो है वो ट्वेल्व लीटर था फिर हमने प्रेशर चार एटमोस्फेयर कर दिया वॉल्यूम जो है वो एक्सपेक्टेड था हुआ आठ एक्सपेक्टेड था आइडियली एक्सपेक्टेड था छे हुआ आठ तो आठ बच्चा चेक का मतलब है कि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन है और इसीलिए पीवी का ग्राफ ऊंचा उठने लगा क्योंकि वॉल्यूम होता घटा नहीं तो ये वाले मॉलिक्यूल्स है फिर ये कौन से ये कौन से जिनके अंदर आपका जो पीवी है वो घट रहा है इंस्टेड ऑफ बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम हद से ज्यादा ही कम होते जा रहा है थोड़ा प्रेशर लगा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनको थोड़ा ही बोलते हैं कि तुम यार यहाँ बैठ जाओ तो वो नजदीक नजदीकों के कंधे वंधे पे हाथ रख के बैठ जाते हैं ठीक है तो वैसा टेबल कुर्सी के ऊपर नीचे सारे जमा चौकड़ी मचा के बैठ गए हैं तो इतने अच्छा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है कि थोड़ा प्रेशर लगाने पर भी वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा घट जाता है क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से कम है नापा गया वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कम है जेड की वैल्यू शुरुआत में स्मॉलर देन वन है तुम्हें दिख रहा है ठीक है ये ग्राफ डूब गया लेकिन जब इसमें भी हमने हायर प्रेशर एरियाज लगाए कि प्रेशर ज्यादा कर दिया तो फिर इनमें रिपल्जन आने लगे और उन रिपल्जन के चलते ये ग्राफ फिर से शुरू करके ऊपर उठ गया यानी जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई अब तुम देख सकते हो कि नॉर्मली अगर किसी भी गैस को देखोगे तो ज्यादातर गैसेज शुरुआत वाला लो प्रेशर एरियाज छोड़ दो ज्यादातर गैसेज के लिए जेड की वैल्यू ग्रेटर देन वन है इसका मतलब इनका वॉल्यूम उतना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होता है Z की वैल्यू ग्रेटर देन का मतलब है कि मोलर वॉल्यूम जो जो है जो गया वो से ज्यादा तो ये ये तो होता है ये समझ में आएगी आपको ठीक है ये पूरा ग्राफ समझ में आपको है ना? और वो गैसेजी लिक्विफाई होती है वो शार्पली डिप करती है बिफोर दिस आइडियल लाइन मतलब जो गैस बहुत तगड़ी तरीके से यूं डिप कर रही है ना समझ में आ रहा है बिट्टू ओके तो जो गैस बहुत तगड़े तरीके से डिप कर रही है जो गैस बहुत तगड़े तरीके से डिप कर रही है तो वो वाली गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है कंप्रेसिबल है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा घटता है ना आपका Z हमेशा ध्यान रखना Z क्या चीज है इस टॉपिक को पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखना जेड है नापा गया वॉल्यूम यानी कि मोलर वॉल्यूम अपॉन आइडियली एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ठीक है आइडियली एक्सपेक्टेड वॉल्यूम तो जब जब मोलर वॉल्यूम आइडियली एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से काफी कम होगा मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी यानी वो वाइली कंप्रेसिबल गैस है थोड़े प्रेशर पे भी वो जल्दी लिक्विफाई हो जाती है तो इसीलिए हमने कहा इजिली लिक्विफेबल गैसेस जो होती है उनमें स्टीपली वो नीचे जाती है ठीक है मूविंग मूविंगचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है यार वॉट कैन यू ऑब्जर्व वॉट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस ग्राफ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम या वट डिड यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस ग्राफ ये टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं मतलब T4 से T3 थ्री बढ़ा है T4 से T3 बड़ा है T3 से T2 बड़ा है और T2 से T1 बड़ा है तो एवरी टाइम टाइम्परेचर इन ग्राफ जो है वो फ्लैक्टन होकर आइडियल को टच कर रहा है ये बात समझ में आई मतलब इसका रीजन तो मैं ही समझाऊंगी बट क्या तुम्हें यह समझ में आया कि जैसे जैसे मैम हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो ग्राफ है ये आइडियल को अप्रोच कर रहा है पहले तो ज्यादा ही भाग का टेढ़ा था और टेम्परेचर बढ़ाने से आइडियल अप्रोच मम्मी पापा भी तो घर का जब टेम्परेचर बढ़ा देते ना जब मम्मी पापा भी घर का टेम्परेचर बढ़ा देते ना गर्मा गर्मी करते डांट डपट करते हैं तो बच्चे भी थोड़ थोड़े थोड़े आइडियल होने लग जाते हैं ना वैसे बहुत ही इधर उधर दूसरी राह चलते हैं अपने मन मर्जिया करते हैं लेकिन जब मम्मी डांट लगाती है ना टेम्परेचर बढ़ाती है तो आइडियल बिहेव मतलब प्रॉपरली आइडियल तो नहीं बट क्लोज टू तो आइडियल आने लगता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रियल गैस जो है वो आइडियली बिहेव कर रही है है ना तो ये चीज समझने वाली चीज़ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रियल गैस जो है वो आइडियली बिहेव क्यों कर रही है उसका रीजन सुनना अरे रोहित बेटा इसको जेई के के एग्जाम दिन भी नींद आएगी ठीक है फिर ये जेई वालों को बोलेगी मेरे को यहाँ नींद आ रही है तो वो वो कहेंगे हमें लेना ही नहीं है है तुमको ना कोई टेंशन नहीं बेटो ओके okay. मतलब वो कोई ऐसे उधड़े थोड़ी बैठे हमारे पंजाबी एक वर्ड बोलते हैं कि वो कोई ऐसे कपाट खोल करके बाहर खोल के वेट थोड़ी कर रहे हैं आई आई टी वाले आ जाओ भैया आ जाओ चले आओ भीड़ अंदर दे आर सेलेक्टिंग क्वालिटी स्टूडेंट्स आउट ऑफ ऑल है ना तो जो बच्चे इस तरीके के कॉमेंट लिख देते हैं चलती क्लास में इनको पूछा हुआ आ गया कि तुम्हें लग रहा है इनको पढ़ाई करते हुए नींद आती है ये जय में सेलेक्ट होने के सपने देख रहे हैं है ना एनी वेज चलो तो देखो बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ गैसेस कैसा बिहेव है करती हैं आइडियली बिहेव है करती हैं ठीक है बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ गैसेस कैसा बिहेव है करती हैं आइडियली बिहेव है करती है उसका रीजन सुनना उसका रीजन सुनना क्या केटीजी में एक बात नहीं बोली थी कि के जिस जहां से आइडियल गैस इक्वेशन का जन्म हुआ है वो माँ है KTG, के टी जी कैनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस और के टी जी के जम्शन से कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते और जो वॉल्यूम है वो बहुत फैला हुआ रहता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने बहुत ही कम होता है या और होता है तो के टीजी जो कि आइडियल गैस इक्वेशन की मदर है वहाँ से आई आइडियल गैस इक्वेशन वो ये मानती है कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो गैस के वॉल्यूम के सामने कख भी नहीं होता यानी कि बिल्कुल कम होता है बहुत कम होता है ठीक है किसका वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ठीक है ऐसा तुम आर्टिफिशियली किस परिस्थिति में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो ठीक है किस परिस्थिति में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो बताओ मुझे तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैस फैल जाएगी और फैल जाएगी तो वाकई में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो गैस के फैले हुए वॉल्यूम के सामने कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है नहीं तो टेम्परेचर बढ़ा दो प्रेशर रिड्यूस कर दो गैस को आजाद छोड़ दो फ्री छोड़ दो तो गैस को जितना फ्री छोड़ोगे और जितना आज़ाद छोड़ोगे वो एक्सपैंड हो जाएगी प्रेशर कम कर दोगे तो एक्सपैंड हो जाएगी और एक्सपैंड हो जाएगी तो फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं रहेंगे उसमें इतनी एक्सपैंड कर दोगे ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहे और वॉल्यूम उसका वाकई में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल हो जाए ये बात समझ में कितने बच्चों को आ गई बताओ कि हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ रियल गैस आइडियली बिहेव करे तो वो सिचुएशन क्या है कि तुम टेम्परेचर बढ़ा दो और तुम आर्टिफिशियली वो KTG के के फॉल्टी एग्जाम्पन्स को भी सही साबित कर दो उसका एक एग्जाम्पन कहता था कि गैस का वॉल्यूम कुछ है ही नहीं गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के सामने कुछ है ही नहीं तुम उसका टेम्परेचर क्या कर दो इतना ज़्यादा कर दो वो इतने फैल जाएँ इतने फैल जाएँ जैसे कमरे भर में गैस ही गैस हो जाए तो पता लगे मॉलिक्यूल्स तो इतने थे और बवाल पूरा कर रखा है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है ठीक है दूसरा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी कम हो जाए यानी बढ़ते हुए टेंपरेचर के साथ गैसेज आइडियली बिहेव करने लगती है क्योंकि KTG की वो पॉल्टी भी सही साबित होने लगते हैं इज इट क्लियर टू यस ओके ठीक है तो ये बात ध्यान रखना मैं थोड़ी देर में पूछूंगी कि यार कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें रियल गैस आइडियली बिहेव करती है जवाब देना मैम हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे गैसेस इतनी फैल जाती है कि ना तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं के टीजी ठीक है और ना ही उनका वॉल्यूम कुछ रहता ही नहीं है गैस के वॉल्यूम के सामने के टीजी तो केटीजी की फॉल्टी को सही किया हमने कौन सी कंडीशन में हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ग्राफ फ्लैटन आइडियलिटी को टच कर रहे। इस इस है दिस इज आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ ठीक अब हम यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स के हिसाब से पॉइंट्स मेंशन किए हुए जो तुमको समझने हैं तो हमने ये जो ग्राफ है इसी के अंदर पढ़ा कि गैस इज लाइक एच टू एंड एच कि हाँ मैम समझ में आ रहा है तो आप मुझे थम्स अप फटाफट से देते जाओ ओके लू बेटा देखो तो गैसेज एच टू एंड एच यू फॉलो इक्वेशन एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर लो प्रेशर पे तो ये फिर भी थोड़ा बहुत फॉलो करती है बट पीवी इंक्रीजेस रेग्यूलर एज द प्रेशर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीज होने के साथ पीवी बढ़ता है प्रेशर इंक्रीज होने के साथ पीवी बढ़ता है प्रेशर इंक्रीज होने के साथ प्रेशर दो का चार करोगे तो वॉल्यूम जो है वो बारह का छह नहीं हो रहा है बारह का आठ हो रहा है तो ये चौबीस जो था ये बढ़कर के कितना हो गया छत्तीस हो गया ठीक है फिर प्रेशर मैंने और बढ़ा दिया तो ये आठ का चार नहीं हुआ आठ का लाइक ये पांच रह गया तो ये कितना हो गया ये फोर्टी हो गया तो हम देख रहे हैं कि पी बढ़े जा रहा है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है विद द इंक्रीजिंग प्रेशर पीवी ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट डिक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली बिकॉज देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग सच काइंड ऑफ तो यू कंप्रेस दे डोंट गैसेज्रेस टू कम क्लोजर टू इच अदर अगर आप इसे कंप्रेस कर रहे हो तो वो एक दूसरे के नजदीक आना ही नहीं चाह रहे हैं और यही कारण है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं ये ग्राफ ऊंचा जा रहा है दूसरी ग्राफ भी होती है जिसमें डिप खा के फिर ऊंचा जाता है इनमें इनिशियली बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है तुम थोड़ा भी कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम एक दूसरे मोलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा एक दूसरे के चटेंगे तुम थोड़ा भी कंप्रेस करोगे तो ज्यादा एक दूसरे के चिपकेंगे तो उस चक्कर में वॉल्यूम हमने सोचा तो उससे भी कम तो उससे भी कम तो ये ग्राफ नीचे आ गया एंड देन लेटर ऑन ये ऊपर चला गया क्योंकि एक हदसा नजदीक आएंगे तो फिर इनको एक दूसरे के प्रेशियस स्मेल्स आने लगेंगे ठीक है देन दे विल स्टार्ट रिपेलिंग इच अदर ओके तो इसीलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेडिएशन हो जाएगी ठीक है पॉजिटिव रेडिएशन ग्राफ से ऊपर नेगेटिव मतलब ये वाली लाइन है ना इससे नीचे ठीक है रियल गैस इज शो आइडियल बिहेवियर प्रेशर अप्रोच इज जीरोल गैस इज आइडियल बिहेवियर कब शो करती है जब तुम प्रेशर जीरो कर देखो सारे प्रेशर तुम जीरो कर दो सारे गैसेज पी वी वाले ये काली लाइन पर लकीर पर टच कर रही है क्योंकि जब तुम प्रेशर कम करते हो तो गैस बहुत फैल जाती है जब तुम प्रेशर कम करते हो तो गैस बहुत फैल जाती है और जब गैस बहुत फैल जाती है तो के टीजी के वो पॉस्टूलेट सही होने लगते हैं जिसमें कहा जाता है कि गैस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती तो बहुत फैली हुई गैस तो नहीं करती एक दूसरा पॉस्टुलेट भी सही होने लगता है कि गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल हाँ भाई तुमने इतना फैला दिया कि तुमने कंटेनर जायंट साइज का कर दिया यार बहुत बड़ा कंटेनर कर दिया फैला दी ना गैस तो के टीजी के पॉस्टलेट सही करने लग गए और इसलिए रियल आइडियल गैस किस तरह बिहेव करती हैं हाई टेम्परेचर पे लो uh, प्रेशर्स पे एंड हाई टेम्परेचर पे ठीक है एंड डेविएशंस कब आती है हाई प्रेशर्स पे डेविएशंस आती हैं करेक्शन कर लें करेक्शन कर लें हम्म ओके ऑल राइट चलो अब सुनो मेरी बात बेटा अब हम पढ़ रहे हैं करेक्शन मतलब जो अपना पीवीएस टू था ना वो गड़बड़ था ना अपना रियल, रियल एक तो तो करेक्शन हम वॉल्यूम में क्या करेक्शन कर सकते हैं इक्वेट हो जाए और हम प्रेशर में क्या करेक्शन कर सकते हैं कि ये इक्वेशन इक्वेट हो जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि उसने क्या मांगा था पीवीजी और हमने क्या किया ये बहुत गहरी बात है ठीक है उसने क्या मांगा था थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा मैं मेरी थर्टी एट थ्रैंक गई आउट ऑफ थ्री वन वन स्टूडेंट क्या बात है वेरी गुड बेटा लॉट्स ऑफ लव तो अपन ने क्या उसने क्या मांगा और अपन ने क्या भरा है इस फॉर्म्यूले में वो समझना जरूरी है तुमसे कोई बोले बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस भर दो तुम क्या भरोगे क्या नापोगे कोई तुम्हें बोले बेटा कितना वॉल्यूम गैस अभी तुमने एक्सपेरिमेंट के लिए ले रखा है वट विल यू मेजर हाउ विल यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैस दिस इज माई क्वेश्चन क्विकली आंसर इट जल्दी जल्दी बताना अंकित देख मेरी मजबूरी तू खाना खाते हुए लेक्चर देख सकते हुए लेक्चर ले नहीं सकती, है ना <coughs> बता बताओ जल्दी कौन बता रहा है? कंटेनर का वॉल्यूम मिलन वेरी गुड कंटेनर का वॉल्यूम शाबाश तो तुमने क्या नापा पीवी का वी तुम्हारे लिए कंटेनर का वॉल्यूम लेकिन उसने क्या मांगा उसने मांगा कंप्रेसिबल वॉल्यूम तुम्हें पता है कंप्रेसिबल वॉल्यूम क्या होता है कंप्रेसिबल वॉल्यूम का मतलब होता है खाली जगह जो मॉलिक्यूल्स को भागा दौड़ी धमाचौकड़ी मचाने के लिए अवेलेबल हो के टी कहती है पूरी ही अवेलेबल है क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल दो कौड़ी के वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं कुछ करते ही नहीं है तो के टीजी की बात सुने तो हम कहेंगे कि कंटेनर का पूरा वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए अवेलेबल है गलती के टीजी में है ठीक है पूरा जो घूमने के लिए अवेलेबल है, 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 वो वो है लिए विले विले। अगर आज इस कमरे के अंदर मैं चार पांच बच्चों की रेस लगवाऊ तो तुम्हें ये लगेगा ना कि जो बच्चे खुद जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो स्पेस तो उनको दौड़ भाग के लिए नहीं ना मिल रही है समझे दौड़ भाग के लिए तो बची हुई स्पेस ही मिल रही है खुद भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अभी 25-30 लोग बिठा देंगे तो तो हिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि सारी जगह उन्होंने भर ली इसका मतलब मॉलिक्यूल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसको घूमने के लिए अवेलेबल नहीं होता है ठीक है तो कंप्रेसिबल वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने सारे मॉलिक्यूल्स का ढेर बनाया इनको सबको क्या किया कोने में जमाया एंड देन आई फाउंड की यार एक्चुअली तो कंप्रेसिबल वॉल्यूम ये है ये देखो ये कंप्रेसिबल वॉल्यूम है दिस इज कंप्रेसिबल वॉल्यूम वॉल्यूम कंप्रेसिबल जो कि घूमने के लिए अवेलेबल है वो ये है मैंने सारे मॉलिक्यूल्स को बोला किनारे पकड़ो बैठो एक जगह तो ये वो वॉल्यूम था जो मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए अवेलेबल था बट तुम क्या डाल रहे थे तुम वॉल्यूम कंटेनर का डाल रहे थे क्योंकि अपन के टीजी के अकॉर्डिंग चल रहे थे क्योंकि के टीजी कहती है कि कंटेनर का वॉल्यूम ही अवेलेबल वॉल्यूम है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होता बट हम जानते हैं कि होता है तो हमने क्या किया वॉल्यूम जो था नापा पहले तो ठीक है जो हमने नापा उस वॉल्यूम में से ये ढेरी का वॉल्यूम माइनस किया हमने क्या किया वॉल्यूम जो कि नापा गया नापा गया वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है कंटेनर का वॉल्यूम ठीक है वो वो नहीं मांग रहा है वो कंप्रेसिबल वॉल्यूम मांग रहा है कंटेनर के वॉल्यूम में, में से ढेर का वॉल्यूम माइनस करो ढेर का वॉल्यूम माइनस करोगे तो कंप्रेसिबल वॉल्यूम निकल के आएगा ठीक है

किस पर डिपेंड करता है ढेर का वॉल्यूम जितना ऊंचा ढेर हम ये भी कह सकते हैं कि इस ढेर का जो वॉल्यूम है जिसको मैं वीसी बोल रही हूँ वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली डिपेंडेंट है नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा होंगे ये ढेर उतना ऊंचा होगा एक की जगह दो मोल ले लूंगी डबल ऊंचा हो जाएगा दो की जगह तीन मोल ले लूंगी ट्रिपल ऊंचा हो जाएगा ठीक है और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो वीसी इज इक्वल्स टू तो बी एन के बराबर है बी वॉन्डरबल रियल गैस कॉन्स्टेंट है रियल गैस कांस्टेंट तो वीसी बी के बराबर है तो मैंने क्या किया मैंने v माइनस बी कर दिया क्योंकि vc नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है एंड vc इज इक्वल टू बी तो हम आइडियल वॉल्यूम का असली मतलब जान पाए कि वॉल्यूम आइडियल इज इक्वल टू जो तुमने कंटेनर का वॉल्यूम नापा है उसमें से बी को माइनस करो ये फीड करना है पीवी इज में कंटेनर का वॉल्यूम फीड नहीं करना कंटेनर के वॉल्यूम में से ढेर फीड करना है क्योंकि वो में तुम जो मांग रहा है, वो क्या कर दिया अपन ने बी एन माइनस कर दिया तो वॉल्यूम करेक्शन हो गया ठीक है ये तुम्हारे नोट्स के लिए दिस इज फॉर योर नोट्स तुम नोट्स मेकिंग करते हो उसके लिए कंटेंट है मूविंग अहेड हम क्या करेंगे ये देखो वी वी आई इज इक्वल्स टू वी माइनस एन बी ये डिराइव कर चुके

कंटेनर की वॉल से जाके भिड़ता है मोलिक्यूल तो अंधा होता है मान लो कि आंख पे पट्टी बांध दो ठीक है वैसा होता है मॉलिक्यूल तो तो कंटेनर पे जाके जब भिड़ता है तो और तो कोई उसको अट्रैक्ट करता नहीं है वो ऐसे जाता है और से भिड़ जाता है समझे बात को वो इस तरीके से जाता है और से भिड़ जाता है समझे बच्चा इसका मतलब इनका एक्सपेक्टेड प्रेशर ज्यादा था यह सोच रहे थे कि मोलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे लेकिन हम रियलिटी में क्या देखते हैं वट डू वी एक्चुअली सी इन रियालिटी हम रियालिटी में ये देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल दीवार की तरफ बढ़ रहा होता है तो मॉलिक्यूल के जो दोस्त होते हैं ना उसको पीछे खींच लेते हैं भाई एक तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है और मेरी आंखों को पट्टी बांधी है और मैं चल रही हूं और भागते 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 होते भाक ये आइडियल एक्सपेक्टेड है क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है मॉलिक्यूल्स के कोई दोस्त नहीं होते ऐसा के टीजी कहती है नो इंटरमोलिक फोर्स ऑफ अटैक बट मेरे दोस्त तो हैं अगर मैं आंख पे पट्टी बांध के सड़क पे दौड़ जाऊंगी तो मेरे दोस्त मुझे पीछे खींचेंगे और पीछे खींचेंगे तो जो मेरा लॉस है वो कम होगा बात को तो मॉलिक्यूल जो दीवार से भिड़ता है वो एक्चुअली उतना प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करता है जितना केटी जी वाले के वालों का जो प्रेशर है ना कि भैया ये इतना प्रेशर होना चाहिए इतना वो नहीं होता है वो नहीं होता इसका मतलब तुम जो प्रेशर नापते हो तुम जो प्रेशर नापते हो वो कम नपता है ये समझ में आया तुम जो प्रेशर नापते हो क्या जो तुम क्या बोलते क्या हो जो प्रेशर बेरोमीटर वगैरह से तुम निकालते हो वो तो रियल प्रेशर होता है यार और वो प्रेशर तो डेफिनेटली इन मॉलिक्यूल्स के ऑफ़ अट्रैक्शन पे, पे डिपेंड करेगा क्योंकि हम रियलिटी में अब स्टडी कर रहे हैं हमारा अब डोमेन अलग हो गया है ठीक है तो रियलिटी में जो नापा गया प्रेशर है क्या वो एक आइडियली एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम है यस और नो बताओ फटाफट फड़ से जल्दी से है ना यस बिल्कुल सही इसका मतलब कि जो प्रेशर हम जो प्रेशर हम नाप रहे हैं वो प्रेशर कम है क्योंकि मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराता है तो उसको बाकी के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसीलिए वो उसके प्रेशर को क्या कर देता है कम कर देता है तो नापा गया प्रेशर आइडियल एक्सपेक्टेड प्रेशर से अगर कम था तो आपको अगर आइडियल सही करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा नापा गये प्रेशर में कुछ एड कर दो नापे गए प्रेशर में कुछ ऐड कर दो क्योंकि हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का ट्रक नहीं करते मॉलिक्यूल्स जो से जोड़े से बैठे वो ग्रुप बना बना करके तो इस तरीके से जोड़े से बैठेंगे इसका मतलब एक दूसरे का ट्रैक करें ट्रक करें तो जाहिर सी बात है कंटेनर पे प्रेशर क्या आएगा कम तो आपका रियल प्रेशर जिसको मैं नापा गया प्रेशर बोलती हूँ वो आपके आइडियल एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम होगा आप कम नाप रहे हो वो कम ही रियल है लेकिन आप कम नाप रहे हो आइडियल एक्सपेक्टेड से तो आप जो नाप रहे हो ना विच इज रियल प्रेशर उसमें प्रेशर करेक्शन पीसीज प्रेशर करेक्शन वो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आप एक गलत इक्वेशन को सही साबित कर रहे हो आप गलती रेक्टिफाई कर रहे हो कि यार वो उसने सोचा प्रेशर ज्यादा होगा इसीलिए वो वो इक्वेट नहीं हुआ तो मैंने नापा वो कम था उसने दस एक्सपेक्ट किया था रियल में देखा तो आठ ही आया तो मैं दो एड कर देता हूं ना उसने दस एक्सपेक्ट किया टीवी इज टू में अगले बंदे ने प्रेशर ज्यादा एक्सपेक्ट किया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को खींचते हैं

इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करेगा पिछली क्लास में अपन ने एक्सप्रेशन किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन किया था तो मैं याद है मैंने डिफरेंट इन मोमेंटम फोर्स वगैरह निकलवाया था तो मैं याद है मैंने बोला था कि मॉलिक्यूल जो कि मैंने अपना फेवरेट मार्क किया था स्टार मॉलिक्यूल वो जाकर के वापस लौटता है जाकर के वापस लौटता है वहीं से कॉन्सेप्ट आ रही कि जो प्रेशर प्रेशर का अपन ने डेरिवेशन किया था प्रेशर का अपन ने प्रॉपर पिछली क्लास में डेरिवेशन किया था तो यही वही से कॉन्सेप्ट आ रही है कि भाई साहब इसने सोचा कि दस इन सम यूनिट टेन का प्रेशर लगेगा मॉलिक्यूल का हमने नापा तो पावन लगा क्योंकि इसको लगता था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को नहीं खींचते और हमने रियलिटी में नापा तो देखा कि मॉलिक्यूल्स ने खींच लिया और इसी वजह से प्रेशर कम लगा तो हम वो करेक्शन कर देंगे हम थ्री ऐड कर देंगे वो थ्री क्या चीज है वो प्रेशर करेक्शन टर्म है और वो किस पे डिपेंड करती है वो डेंसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है डेंसिटी के स्क्वायर पे क्योंकि इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेज डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही दीवार पे प्रेशर कम लगेगा और ज्यादा होंगे छह ही लगेगा और भी ज्यादा होंगे तो दस का पांच हो जाएगा और ज्यादा होंगे चार हो जाएगा तो जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइडियली एक्सपेक्टेड प्रेशर से रियल प्रेशर उतना ही कम आने वाला है इसका मतलब प्रेशर करेक्शन टर्म ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी अब ये स्क्वायर कहां से आ गया बेटा स्क्वायर यहां से आ गया मोलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स जब दीवार से भिड़ते हैं तो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी मॉलिक्यूल अबाउट जो कि दीवार से भिड़ने वाला है वो कंसेंट्रेशन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स डिपेंड करता है एक मॉलिक्यूल कितने प्रेशर से दीवार से भिड़ने वाला है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आसपास कितने जनता इकट्ठी हो रखी है उसको खींचने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बात पर निर्भर करेगा ठीक है दूसरी चीज कितने मॉलिक्यूल्स दीवार से भिड़ रही हैं वो भी उस पर भी निर्भर करेगा अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई तो नॉट टू वरी तुम इतना ध्यान रख लो कि भाई जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज्यादा इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जितना डेंस होगी ना गैस जितने मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होंगे जितने मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होंगे उतनी ही गैस जो के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने से आपका नापा गया प्रेशर

हमने कहा जो प्रेशर आपने नापा वो कम नापा आइडियली एक्सपेक्टेड से कम था क्योंकि तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे खींच खींचा कितना कम था ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कितना कम था क्योंकि ये करेक्शन इंटरवॉलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड कर रहा था जो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा था डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम या मोल्स अपॉन वॉल्यूम पर डिपेंड कर ठीक है ये हो गया प्रेशर करेक्शन नापे गए ये नापा गया प्रेशर है नापा गया प्रेशर जो कि कम था उसे बढ़ा दो क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी वॉल्यूम में क्या करेक्शन किया तुमने वो, ये नापा गया वॉल्यूम 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 नापा नापा गया गया ठीक है लेकिन कंप्रेसिबल नहीं था क्योंकि तुमने कंटेनर का वॉल्यूम नापा था पर हमें रखना था कंप्रेसिबल वॉल्यूम यानी खाली वॉल्यूम तो खाली वॉल्यूम के लिए हमने कंटेनर के वॉल्यूम में से वीसी माइनस किया और वो वी किसके बराबर था एन बी के ठीक है तो ये आ गई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल्स प्लस एन स्क्र अपन बी स्क्र ट एनआर टी तो ये सेक्वेट से करोगे फिर नहींक्वेट होगी क्योंकि वॉल्यूम भी तुम कंटेनर का नाप रहे हो प्रेशर भी तुम्हारा कम आ रहा है तो कैसे एनआरटी की बराबर होगी आइडियल गैस कहती है कि प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया आइडियल गैस कहती है कमप्रेसिबल वॉल्यूम रखो तुमने नापेगा वॉल्यूम कटेनर के वॉल्यूम से कुछ डेरी का वॉल्यूमस कर दिया नाउ इट इज इक्वेटेड टू एनआरटी ठीक है एंड फॉर लाइक वन मोल द इक्वेशन मिल बी पी प्लस एन स्क्वायर हटा दो ए अपॉन वी स्क्वा माइनस एन हटा दो b इज इक्वल्स टू एन हटा दो आर टी तो ये वन मोल के लिए इक्वेशन बन गई तुम्हारी और ये n मोल्स के लिए इक्वेशन बन गई क्लियर गॉट इट वेरी गुड आई एम गुड आई एम गुड फरीहा अरे वाह थैंक यू सही समझे आई नो इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बट मुझे मेरे बच्चों को समझ में बहुत ईजीली आ गया है अब रिपीट करना होगा तो बोलना नहीं तो ये रियल गैस इक्वेशन है मैं आगे प्रोसीड क्योंकि जेई का क्वेश्चन जो बनता है ना वो अब आगे जो मैं पढ़ाऊंगी ना डेरिवेशन उसमें से बनेगा ठीक है तो कुछ टेस्ट भी लेने वाली एट द एंड ऑफ द क्लास फाइव तो सिक्स क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेके आई हूँ ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर भी उसमें ये इतना बड़ा चौथा तो तुम्हारे नोट्स के लिए नोट्स बनाते हो ना तुम लोग तो वो पॉइंट्स में लेके आई मेन मेन चीज बता दू ए आता है आपके प्रेशर में और बी आता है वॉल्यूम बी मॉलिक्यूलर साइज या नंबर ऑफ मोल्स को सिग्निफाई करता है जितने मोटे मोटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उसका बी ज्यादा होगा लिख लो जितने बड़े बड़े मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उसका बी ज्यादा होगा ढेर ऊंचा बनेगा तो वॉल्यूम करेक्शन ज्यादा आएगा ए इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे ना ए भी उतना ज्यादा होगा ए ज्यादा किसको सिग्निफाई कर रहा है दैट द गैस हैज मोर जैसे अमोनिया का ए काफी ज्यादा होगा ठीक है तो ए ज्यादा किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स को ठीक है तो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए और ए की वैल्यूज फॉर गिवन गिवन मास गैस जो होती है ना वो कैसे होती है तो ना एंड जो है वो ढेर यानी साइज के प्रोपोर्शनल है और एक पॉइंट और था जो मैं इसमें ढूंढ नहीं पा रही हूँ हाँ ये इंपॉर्टेंट है जो वॉन्डरबल कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू होती है वो जनरली बी से बहुत ज्यादा होती है ठीक है ये जनरली इसमें कुछ रटना कुछ भी नहीं रटना क्या ये क्लियर है क्या मैं डेरीवेशन पे आगे प्रोसीड कर जाऊं क्योंकि यहां से आएंगे क्वेश्चन जेई के एक तो यहां से और एक यहां से ये दो पेजेस और एक ये मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूंगी और उसके बाद में तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो कुछ डाउट है या मैं आगे बढ़ जाऊं हा बी सिग्निफाइज मोटे मोटे मोलिक्यूल एग्नेफाइज इंटर मोलिक्यूल इफ देर एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स फिर मैं दो डेरिवेशन करा के टेस्ट चालू कर रही हूँ क्योंकि इन्हीं दो डेरिवेशन में से जेई में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं तुम स्टेट के जितने भी पीवाई क्यूज देखोगे वो यहीं से आएंगे नो डाउट क्लियर रितिका ने बोला एक बार कंपाइल कर दो एनी बड़ी वो स्टूडेंट फुल केमिस्ट्री जस्ट मॉर्निंग मैम स्माइल क्या बात है एक बारी रिपीट कर दो ओके okay, शर्वरी एक बारी रिपीट तो मैं कर तो मेरे को एक बात बताओ कि Uh, जितनी देर में रिपीट करूँ चार या पांच मिनट होंगी फिर ये दो डेरिवेशन कराऊंगी देन यू विल हैव टू गिव मी अ टेस्ट एंड ऑनेस्ट स्कोर मेरे को तुम्हारा चाहिए होगा ठीक है हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिपीट नहीं कर रही वो मैं कर चुकी थी ऑलरेडी मैं सिर्फ करेक्शन रिपीट कर रही हूँ करेक्शन रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम्हें चीज समझ में आए हमने सबसे पहले बोला कि पी वी एनआरटी से इक्वेट नहीं होता वॉट वी सेट हमने कहा ये रहा कि पी वी आइडियल ग्लासेस के लिए इट शुड बी इक्वल टू एनआरटी बट एक्चुअली इट इज नॉट इक्वल टू एनआरटी क्योंकि जब आप किन्नी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में जैसे पी और वी का प्रोडक्ट लिखते हो तो आपके एनआरटी के बराबर रियालिटी में आ ही नहीं रहा तो आप घवलत में पड़ गए कि भैया क्यों नहीं आ रहा ये रियलिटी में ये प्रोडक्ट जो है मतलब पीवी वी एनआरटी से इक्वेट क्यों नहीं हो रहा तो हम देखना चाहते हैं कि यार हमारे प्रेशर हम नाप रहे क्या गलती कर रहे हैं वॉल्यूम नाप रहे क्या गलती कर रहे हैं तो याद रहे हम तो नाप क्या रहे थे वॉल्यूम नापते वक्त हम कंटेनर का वॉल्यूम नाप रहे थे और प्रेशर नापते वक्त हम तो रियल प्रेशर नाप रहे जो गैस का प्रेशर है वो नाप रहे हैं बेरोमीटर लगा है हमने जो प्रेशर शो हो रहा है उस डिवाइस में वो हम लिख रहे हैं तो हमें याद रहे हम क्या नाप रहे हैं हमें याद रहे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अगर इन दोनों को आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि रियल गैस इक्वेशन कैसे बनी हम नाप रहे थे वो प्रेशर जो बैरोमीटर दे रहा था और हम नाप रहे थे कंटेनर का वॉल्यूम अब उसने क्या मांगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन सुनना वो प्रेशर तो तुमसे मांग तो रियल ही रहा है पर बंदे ने खुद ने ही फ्लॉफुल पॉस्टिट बना रखे हैं वो कहता है प्रेशर जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा चाहिए आ रहा है ज्यादा क्यों आ रहा है प्रेशर जरा देखो प्रेशर ज्यादा क्यों आ रहा है वो कहता है कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता तो एक अंधा मॉलिक्यूल जिसको कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा अगर वो सीधा सीधा चलेगा तो दीवार से ज्यादा भचाक तरीके से भिड़ेगा उसका माथा फूट जाएगा प्रेशर ज्यादा इसका मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन में प्रेशर ज्यादा आना चाहिए तो जब वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को कंसीडर ही नहीं करता तो उसे लगता है कि भैया प्रेशर तो ज्यादा आना चाहिए तो उसने कहा प्रेशर ज्यादा आएगा और हमने नापा तो प्रेशर कम आया तो हम क्या करेंगे अपने नाप पे गए प्रेशर में कुछ प्रेशर करेक्शन ऐड कर देंगे उसने दस की एक्सपेक्टेशन की हमने साथ ही नापा हम कह रहे यार अपना कैसे गलत नापराए गलत अपना नहीं न, न परा गलती वो के टीजी वाले कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि भैया दस आएंगे अब या यार देखो एक्सपेक्टेशन तो किसी कुछ भी हो सकती है है ना मैं भी एक्सपेक्ट कर लूंगी मैं दस क्वेश्चन का टेस्ट लगा रही हूँ तुम दस में दस लाओगे दिस इज आइडियल क्योंकि मैंने तो सब कुछ पढ़ाया है अब तुम दस में दस लाओ एक बच्चे के आठ आते एक के सात आते हैं आते हैं ना कम एक के छह आते हैं एक के दो ही आते हैं तो वो डिफरेंस की बात चल रही है यहाँ पे कि मैंने एक्सपेक्ट किया तुम्हारे दस में दस आएंगे तुम्हारे दस में छह आए रहा था. क्यों? क्योंकि उसको पीछे खींचते अच्छा हैं यही कारण है कि मैं चाहती हूँ तुम अच्छा परफॉर्म करो उतना तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्यों क्योंकि तुम्हारे लपाड़ी दोस्त तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं तो तुम्हारे रिजल्ट को डाउन करते हैं मैं सोचू दस में दस लाख तुम्हारे आए दस में सात तीन नंबर तुम्हारे दोस्तों ने कम करवा दी तुम्हारे जस्ट एन एक्साम्पल ठीक है तो P पी प्लस पीसीड करो कि क्या गलती कर रहे हैं क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम तुम कंटेनर का नापते हो लेकिन वो बोल तो यही रहा है कि कंटेनर का नापो प्रॉब्लम क्या है वो मांग कंप्रेसिबल वॉल्यूम रहा है और कंप्रेसिबल वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम होता ही नहीं है कंप्रेसिबल वॉल्यूम होता है ये ये मांग रहा है कंप्रेसिबल वॉल्यूम और अपन भर रहे हैं कंटेनर का वॉल्यूम तो यार पूरे कंटेनर का वॉल्यूम भरोगे तो रिजल्ट कहां से मैच होगा इसका मतलब कंटेनर के वॉल्यूम में से तुमको इस ढेर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा और ये देखो v माइनस नापा गए वॉल्यूम में से वॉल्यूम करेक्शन माइनस कर दिया ठीक है अब ये इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी बट समझने वाली बात है पीसी क्या चीज है और वीसी क्या चीज है पीसी क्या चीज है और वीसी क्या चीज है बेटा पीसी है पीसी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंडेंट और इसीलिए इसकी वैल्यू आएगी पी प्लस

तो ये करेक्शन हो गया हमारे फॉर एन मोल्स है ना ये करेक्शन हो गया हमारा फॉर मोल्स और यही चीज जो है एन की वैल्यू वन कर दोगे तो ये वन मोल के लिए आ जाएगी क्लियर आई थिंक आई मेड एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियर एंड नाउ एम गोइंग टू डू इज मैं तुम्हारे लिए दो डेरीवेशन करने वाली हूँ ये ये वेरी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए ठीक है ये दो डेरीवेशन हम करने वाले एट लो प्रेशर क्या होने वाला है बेटा जब प्रेशर लो होता है तो वॉल्यूम बहुत हो ज्यादा होता है तो मैं अपनी तरफ से डिराइव कर रही हूँ पी प्लस नंबर ऑफ मोल्स में वन मान के चल रही हूँ इसलिए एन हटा दूंगी मैं ए एन स्क्वायर अपॉइन्ट वी स्क्वायर होता है मैंने एन इग्नोर एन कर दिया क्योंकि एन इज़ वन मोल मैं फॉर वन मोल लिख देती हूँ फॉर वन मोल फॉर वन मोल में लिख देती हूँ तो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉइट वी स्क्वायर में एन हटा दिया मैंने ये प्रेशर करेक्शन हो गया और वॉल्यूम वी माइनस एन भी होता है अगर बी माइनस बी में कर रही हूँ और एन आर टी की जगह आर टी कर रही हूँ मैंने एन हर जगह एन की वैल्यू वन पुट कर दी है ठीक है जब प्रेशर बहुत कम होता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है सुन लो वापस से जब प्रेशर बहुत कम होता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो V के सामने B एक्चुअल में नेगलेक्ट हो जाएगा जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो उस ढेर का वॉल्यूम तो वाकई में नेगलेजिबल हो जाएगा ना एक्चुअल वॉल्यूम के सामने तो तुम क्या लिखोगे इसमें क्या पुट करोगे P प्लस ए अपॉन वी और इधर तुम B को नेग्लेक्ट कर रहे हो क्योंकि प्रेशर लो प्रेशर पे वॉल्यूम मोर हो जाते हैं

तुमने Z पॉप आउट करवाना है इन डेरिवेशन में या कुछ तुम्हें भी डेरिवेशन करने पड़े तुमको Z निकलवाना है Z होता है पी वी RT तो इस इक्वेशन में Z कैसे निकल के आ सकता है सबको आर टी से डिवाइड कर दो ये सबसे कॉमन पंडा होता है इसको ध्यान रख लो कहीं कॉपी में लिख लो आर टी से डिवाइड किया आर टी से डिवाइड किया और आर टी से डिवाइड किया क्या बन गई इक्वेशन पी वी अपॉन आर टी हो गया Z प्लस ए अपॉन आर टी वी इज इक्वल टू वन तो Z की वैल्यू क्या निकल के आ गई Z की वैल्यू निकल के आ गई वन माइनस ए अपॉन आर टी वी ये आपका डेरिवेशन हो गया एट लो प्रेशर एक बार फिर से देखिए लो प्रेशर पे क्या हुआ है एक बार फिर से देखिए एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया प्रेशर इतना कम ले लिया कि वॉल्यूम ज्यादा होगी जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो मैंने बहुत ज्यादा वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम करेक्शन को इग्नोर कर दिया तो मेरी इक्वेशन बन गई पी अपॉन ए बाईर वी फिर मैंने मल्टीप्लाई किया पी वी प्लस एवी अपॉन वी स्क्वल यहां मैंने सबको आर टी से डिवाइड किया क्योंकि मेरे को जेड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना था तो पी वी बाई आर टी बन गया जेड ए गया जेड की वैल्यू आ गई वन माइनस ए बाय आर टी वी अगला एक्सप्रेशन मेरा होने वाला है मैं एक बार फिर से आइडियल जैसी क्वेश्चन लिखूंगी पी प्लस ए एन स्क्वेर अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस एन बी इजिक्वल टू एन आर टी ठीक है अब यहां पे मैं क्या करना है दिस इज फॉर एन मोल्स फॉर वन मोल क्या लिखेंगे अपन फॉर वन मोल क्या लिखेंगे फॉर वन मोल पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्व टू आर टी ठीक है अब इसने प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया तो जब बेटा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो प्रेशर करेक्शन इग्नोर हो जाता है जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था तो वॉल्यूम करेक्शन इग्नोर कर दिया था और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर करेक्शन इग्नोर कर दिया इक्वेशन बन गई पी वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी पी वी माइनस पी बी ये तीन चार बार डेरिवेशन करके देखना नहीं है ही होमवर्क में अगर मोनिका मैम को फॉलो कर दो तीन चार बार डेरिवेशन लिख लिख के बार बार करना बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएंगे प्लस के बच्चों को रटे पड़े डेरिवेशन क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादा बनने का चांस होता है अब क्या है सब जगह आर टी से डिवाइड करा आर टी से डिवाइड किया आर टी से डिवाइड किया क्या बन गया पीबी अपॉन आर टी बन गया जेड और जेड माइनस पीबी अपॉन आर टी इज इक्व टू वन तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी जेड इज इक्व प्लस पीबी अपॉन आर टी पिछला वाला क्या था z equals to one minus A by RT भी और ये हो गया z जेड इजल टू वन प्लस किस पे आ गया है दिस इज एट हायर प्रेशर यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था ए की वैल्यू पॉइंट था मैंने स्पेशली मार्क किया था कि ए की वैल्यू किसी भी गैस के लिए बी की वैल्यू से काफी ज्यादा होती है सेन नोटिसन सेवन जीरो पॉइंट जीरो बी कम होते हैं ए ज्यादा होते हैं लेकिन ए की रिलेटिवली ज्यादा वैल्यू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को सिग्निफाई करती है जिस गैस का ए ज्यादा होता है वो गैस अच्छे से कंप्रेस हो जाएगी और इजिली कंप्रेस हो जाएगी ठीक है ज्यादा होगा तो नहीं होगी क्योंकि बी ज्यादा सिग्निफाई करती है चलो टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जयमेस दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन है मोस्ट फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर क्विकली वन डज अ गैस डेविएट द मोस्ट फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर जल्दी से पांच छह सवाल है टोटल मिला के मुश्किल से 6 है, जल्दी से करना शुरू करें ए यस बेटू फरीहा ए ज्यादा तो गैस इजिली कंप्रेस थैंक यू स्माइल मैम दिवाली की छुट्टी होगी देखते हैं अभी परसों बात करते हैं इस बारे में क्या आंसर आ रहा है डी आर ए डी आर ए सबका वेन ड गैस डेविएट मोस्ट डेविएशन पूछी है लफड़ा पता क्या है मैं सच्ची कह रही हूँ तुमको तुम मेरे पास यहाँ ऑफलाइन पढ़ने आते हो ना मेरे मतलब इतने लकड़ी के स्केल वाले वो धंधा मेरे से ही चलता पता तुम पूछी है रियल गैस आइडियल तब बिहेव करती है जब प्रेशर बहुत कम होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब वो आइडियल बिहेव करती है मैं कह रही हूँ गैस बिगड़ेगी कब बिगड़ेगी कब बिल्कुल उल्टा कर दो बिगड़ेगी कब जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा टेम्परेचर लो होगा वन हुआ ना किस बच्चे ने वन बोला था पिटोगे सारे के सारे यहाँ पे वर्चुअल क्लास के अंदर भी डिजिटल पिटाई खाओगे तुम लोग मतलब देखो ना तुम फोकस नहीं कर रहे हो गैस डेविएट द मोस्ट बिगड़ कब जाती है सुधरती है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे बिगड़ती है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर समझे नेक्स्ट क्वेश्चन

वेरी गुड स्वधा शब्बा श्रोहित फरीहा खानी खानी इज न्यू इन माई क्लास पवन वेरी गुड ए यहाँ तो मचा दिए हो बिल्कुल सही अभी अभी डिराइव किया था ये क्वेश्चन देखो दो हजार सोलह में आए ये करो क्वेश्चन नंबर फोर नहीं नहीं हमारी बिल्कुल भी स्पीज स्लो नहीं है टोल्ड यूथ इसकी हमारी स्पीज स्लो है बिल्कुल स्लो नहीं है और ऐसे कोई टॉपिक नहीं जो नहीं पढ़ाए गए हैं हर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स आगे से रेलिवेंट हो रहे हैं तो वो आगे आएंगे जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा नहीं पढ़ाया पढ़ाऊंगी डेफिनेटली ओवरलैपिंग टॉपिक क्या होता है भाई हाँ जी आंसर करो जल्दी जल्दी वन इक्वेशन फॉर अ गैस इज स्टेटेड एज बेटा इलेवंथ क्लास के बच्चों को एक एक कॉन्सेप्ट समझाने में एक टॉपिक समझाने में बिटू तो टाइम लगता है मतलब आप एलेवन क्लास के बच्चे के साथ इस तरीके से जागते नहीं कर सकते हो कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोल के निकल लिए उसके बाद बच्चे जाने बच्चों का काम जाने वी कान डू दैट बिकॉज टेंथ और इलेवंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एंड एलेवन क्लास के बच्चे इतनी नई चीजें पढ़ते हैं तो इट ऑलवेज यू नो रोम इज नॉट मेड मेडेड डे कोई देश एक दिन में नहीं बनता इट टेक्स टाइम है ना तो दैट टाइम जो टाइम लगेगा क्वालिटी एजुकेशन वो तो मैं दूंगी मेरे को कोई uh, मतलब एक रेस में नहीं भागना फरिया तूने गलत किया बेटा ऋतिका ठीक कर रही है खानी ठीक कर रही है स्वधा बी बता रही है ओके okay. बिटू ये बताओ मेरे को सोमा ठीक कर रही है वॉन्डेबल इक्वेशन फॉर गैस इज स्टेटेड इसको इधर लेके आओ तो जरा इसको इधर लेके आओ तो जरा P प्लस ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र और इसको ऊपर चढ़ा दो V माइनस एन बी इज गु एनआर तो तुम्हारी रियल गैस इक्वेशन रट लेना इसको अच्छे से पांच छह बार दफा लिखोगे तो रट जाएगी वो कह रही है आइडियली कब बिहेव करती है रियल गैस ये पता है, है. बिना तो बात, बात है हाँ पड़ेगी तुमको पता है सच्ची कह रही हूँ सच्ची बोल रही हूं मैं तुमको जब मैंने तुमसे पूछा था डेविएशन ज्यादा कम होती है तब तुम बोल रहे थे कि भैया मैम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जबकि मैं पूछ रूँ बिगड़ती कब है गैस सुधरती है हाई टेम्परेचर पे बिगड़ती कब है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अब मैंने तुमसे पूछा सुधरेगी कब तुम अब बिगड़ने का बता रहे मेरे। हो मेरे को आंसर होगा टेम्परेचर इज प्रेशर इज लो कब जाके ये, ये इसने थोड़ा सी शक्ल बिगाड़ दी है सही कर दी है यही तो आपकी रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी अगला करो सब उल्टे पुल्टे आंसर कर रहे हो इफ जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाली लो प्रेशर कैन बी रिटन एज अगर जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लो प्रेशर पे किस तरह से लिखी जा सकती है मेरे बच्चों फटाफट बताओ गलती नहीं करना गलती करते तो जब मैम इतना इनपुट डाल के पढ़ाती है ना पूरी शक्ति डाल के फिर बड़ा बुरा लगता है सच्ची फरिया गिरी टू सनी कहरा बी रोमाना गिरी सी प्रियंशी गिरी टू देखो बी और सी में कंफ्यूज फिर स्वदा बी करिए कोमल बी भी करिएतिका भी करिए काफी सारे बच्चे यहाँ बी बोल रहे हैं ना हाँ बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन करें ट ए गिवन टेम्परेचर टी गैसेज न्यून आर्ग आर्गन जीन टू डेविट फ्रॉम आइडियलियर दर इक्वेशन ऑफ स्ट गांडरवल कॉन्स्टेंट है कौन सी गैस का स्टीपेस्ट इन प्लॉट करना है तुमको जेड वर्थ ये भैया टेक योर टाइम मैं आराम से घड़ी हूँ टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर क्योंकि तुमको यहाँ प्लॉट खींचना पड़ेगा तो तुमको थोड़ा डेरिवेशन खुद को करना पड़ेगा करो बेटा डेरिवेशन हाँ बेटा अपन लेते हैं ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं जहाँ पे भी मैं मेंस में नहीं लिखती जे वो एडवांस का क्वेश्चन होता है बेटा मनीष सिंह गौतम व्हेन मेंस इज नॉट रिटर्न ना ओनली जेर इज देर इज देर आर सो मेनी सेशंस जिसमें ये नहीं लिखा होता तो मेन्स नहीं लिखा मतलब एडवांस का क्वेश्चन है वो हम्म सी आ रहा है क्या पवन का सी आ रहा है शर्वरी का सी आ रहा है चलो मैं करवा देती हूँ सही का भी आंसर सही आ चुका है।, <laughs> है रजनीश का सी आ रहा है चलो मैं करवा देती हूँ बेटा कैन आई राइट इट एज पी वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी है ना इसका मतलब पी वी माइनस पी बी इज टू आर टी बेटा ये मैं तुमसे ना हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आज वाली क्लास में जो ये दो डेरिवेशन करवाए मैंने हाई प्रेशर लो प्रेशर पे उसको चार चार पांच पांच बार अपने हाथ से करके देख लेना ठीक है फिर आर टी से सबको डिवाइड कर दो ठीक है टू पॉप आउट जेड जेड पॉप करने का तरीका आर से सबको डिवाइड कर दो इक्वेशन बन गई जेड इज इक्वल्स

मॉलिक्यूल को ये सिग्निफाई कर रहा था मोटा या बड़ा मॉलिक्यूल तो जिसका मॉलिक्यूल मोटा होगा उसका बी वैल्यू भी ज्यादा होगा और उसका स्लोप बी स्टीपेस्ट होगा तो कह रहा है इसमें से सबसे स्टीपेस्ट स्लोप किसका है तो बेटा इनमें सबसे मोटा कौन है हीलियम नियॉन क्रिप्टन ज़ीनन रेडन वेज़ीनन सबसे मोटा है थ्री इज द करेक्ट आंसर ठीक है एंड लास्ट क्वेश्चन करो फटाफट देन इट्स फिनिश्ड और सेशन को भी लाइक like कर दो जी कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ए एन बी आर बॉन्डरवल कॉन्स्टेंट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैसेज आर कर दो एज क्विकली एज पॉसिबल अच्छा सवाल है प्यारा सवाल आया आंसर बताओ हाँ वेट कर रहे हो रोहित बिट्टू हाँ बेटा रोमाना जल्दी जल्दी दे आंसर बताओ और कमेंट भी किया करो सेशन पे आई ऑलवेज मतलब आई जस्ट लव टू रीड योर कमेंट्स आफ्टर द सेशन इज ओवर आई जस्ट लव टू रीड देम जागृति बोल रही है सी आएगा मनीष बोल रहे बी आएगा पवन बी बोल रहा है सनी ए बोल रहा है जागृति बी बोल रही है आदित्य बी बोल रहा है स्वधा बी रजनीश सी ऋतिका सी देखो बी और सी में भयंकर मतलब लड़ाई चल रही है कि क्या है इफ यू ऑब्जर्व ना इसमें एक मतलब जो आपका गैस मॉलिक्यूल ए है और सी है इनके लिए बी की वैल्यू सेम है ठीक है तो कंपेयर क्या करना है ए कंपेयर करना है यानी इसको और इसको कंपेयर करना है ठीक है अब ए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का को सिग्निफाई करता है इसका मतलब जिसका ए ज़्यादा है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज्यादा है तो वो चैट के बैठेंगी चिपक के बैठेंगी क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है ठीक है चिपक के बैठेंगे कह दो वॉल्यूम कम होगा या कह दो कंप्रेसिबल ज्यादा होंगी ठीक है तो ए और सी में से कंपेरिजन करना है

चौरसठ हजार और इसमें कितने चार सौ इकतीस बहुत ज्यादा है इसका मतलब बहुत चैट के बैठेगी चैट के बैठेगी चिपक के बैठेगी तो वॉल्यूम क्या होगा कम होगा किसका ए ए का एक का वॉल्यूम कम होगा ये कह रहे हैं, सी का वॉल्यूम कम है ये गलत हो जाता है सी का वॉल्यूम मोर वॉल्यूम देन गैस दिस इज करेक्ट गैस सी भी लॉकेबे तो ये दो ऑप्शन हमारी लाइन में आ जाते हैं एंड सी भी पे लेसर वॉल्यूम ये गलत है ठीक है तो हमारे सीधा सीधा वन एंड फोर कट चुके हैं अब हमें टू एंड थ्री में से सेलेक्ट करना है ठीक है अब तुम देखो बी और डी को कंपेयर करते हैं बी और डी के लिए आपके फोर्सेस के इंटरमोलिकी सेम है अगर फर्क है तो मोटापा मोटापे में फर्क है तो किसका मोटापा ज्यादा है डी मोटी ज्यादा है डी मोटी ज्यादा है मोटे मोटे मोलिकूल है उसका पॉइंट टाइम्स मोटी है कि D? 0. 04, 0. 04. अगर डी मोटी ज्यादा है ठीक है तो कौन सी ज्यादा कंप्रेसिबल होगी बी ज्यादा कंप्रेसिबल होगी डी क्या करते हैं जो मोटी मोटी है वो कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी ना उसकी मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स को कैसे कंप्रेस करोगे कौन ज्यादा कंप्रेस होंगे पतले मॉलिक्यूल्स तो ये पतले मॉलिक्यूल्स है ये मोटे मॉलिक्यूल्स है पतले मॉलिक्यूल ज्यादा कंप्रेसिबल होगा बी ज्यादा कंप्रेसिबल है तो यहाँ देखो बी विल बी लेस कंप्रेसिबल बी विल, विल बी मोर कंप्रेसिबल ऋतिक बिल्कुल ठीक कह रही थी आंसर है थर्ड ठीक है और इनिशियली जो सही किया था एक बच्ची ने बिल्कुल बाद में उसने अपना आंसर चेंज कर लिया था दैट वॉज द करेक्ट आंसर इनिशियली वन ऑफ द स्टूडेंट गेव मी द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इजी अब इसका स्कोर मेरे को किसमें लिख के दोगे कॉमेंट बॉक्स में ठीक है दैट्स इट फॉर टूडे आज हमने रियल गैस इक्वेशन कवर कर ली है ये तुमको मैंने बताया ये उसका डायग्राम है कि किस तरीके से जो रियल गैस आइडिया जिसमें तुमने भर भर के गलतियां करी है ना ये वही डायग्राम है कि भाई इस समय तो एक्चुअल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ठीक है और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम है तो ये आइडियली बिहेव कर रहा है और अगर आप गैस को कंप्रेस करके लेते हो हाई प्रेशर करते हो तो हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता कंटेनर के आगे तो हाई प्रेशर पे रियल बिहेव करती है लो प्रेशर पे आइडियल बिहेव करती है लो टेम्परेचर पे रियल बिहेव करती है हाई टेम्परेचर पे तुम वैसे भी देखो गैस एक्सपांड होगी तो हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेव करेगी तो ये उसका डायग्राम है दैट्स इट फॉर टुडे इनमें आने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बेटा मस्ती मजाक तो अपनी जगह है लेकिन कोशिश मेहनत अपनी जगह है, है ना और मुझे लगता है जीतता वही है जो बहुत रिलीजियसली और बहुत अच्छे से अपने मन में ये धार लेता है है, कि मुझे बनना ना? तो आपको रिजेक्ट होने से बचना है तो आपको अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज लानी पड़ेंगी जो बाकी बच्चों में नहीं है दिस इज इज और वो क्वालिटीज क्या हो सकती हैं? आप अपने लक्ष्य के पीछे कितने बावले हैं कितने पागल हैं आप आई टी एन बनना कितना रिलीजियसली चाहते हो क्योंकि बींग इन आई टी एन इज़ अ रिलीजन जो कि कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता यहीं आके उसे हासिल करना पड़ता है तो कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए कितने आप सीरियस हो ना वो बहुत मैटर करता है इन रिजल्ट में आने के लिए आपकी सीरियसनेस का बहुत रिक्वायरमेंट है मुझे भी और आपको भी ठीक है आपके सीरियस होने से मेरे बच्चे इसमें आ जाएंगे तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ आपके सीरियस होने की मुझे बहुत ज़रूरत है ओके okay? और कम्पिट इज अ बैटल जो कि लर्निंग ऐप पे है और इसमें बड़ा मजेदार तरीके से आप मतलब लर्निंग विद फन है गेम भी खेलेंगे मजे भी करेंगे पढ़ाई भी करेंगे ठीक है उसमें भी कभी कभी मजा आता है ओके एंड जैसे नीट प्रिपरेशन अगर आप ऑफलाइन बातें से करना चाहते हैं तो हमारा आपको मैं बता दूं कोटा लखनऊ नोएडा और पटना में ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं उड़ान कोड से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं याद रहे उड़ान टीम से पढ़ रहे हो उड़ान कोड से रजिस्टर करना है ओके बढ़ते हैं आगे जे एल के सेशंस जो है एलेवंथ एंड ट्वेल्थ के रेगुलरली हो रहे हैं आप और बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ चुके हैं जोड़ सकते हैं मेरा अगला टॉपिक थर्मोडानेमिक्स होगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर लाएं और थर्मोडाइनेमिक्स में हमारे साथ नए स्टूडेंट्स को जोड़ें ठीक है एंड इसी के साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स में भी ये काम करें टाइनिवरल डॉट कॉम स्लैप प्ले जेई में आपको जुड़ना है यहाँ पे कंटेंट बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज है मज़ेदार तरीके से ऑर्गेनाइज है अन अकेडमी जेट मी स्लो कम्पल्सरी बिकॉज कुछ भी हम नोटिफिकेशन भेजते हैं कुछ भी करते हैं ये ही वो लिंक है जिसके अंदर तुम्हारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आएंगे और तुम एक सिंगल क्लिक पे हमारे को ज्वाइन कर सकते हो फिर तुम्हें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है वो तुम्हारा डिसीजन होता है बट यू नेवर नो तुम जो चीज जो टॉपिक मांग रहे हो उस पर डिस्कशन शुरू हो जाए अन अकेडमी जेई चैनल पर ठीक है तो इसमें होना बहुत जरूरी है प्लस की क्लासेस में यार बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाई होती है मतलब आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लस के अंदर हम लोग जिस तरह से पढ़ाई करते हैं ना दैट डोमेन बहुत गहरी पढ़ाई होती है और प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होती है जिसको हम जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अभी कल ही मैंने मीजोमरिक इफेक्ट पढ़ाया था उससे पहले भी मैंने रेज़ोनेंस मिजोमरिक इफेक्ट पढ़ाया था तो जब तक मुझे तसली नहीं होगी क्योंकि मेरे पास वहां टूल्स हैं मेरे को पोलिंग ऑप्शन से समझ में आता है कि बच्चों को समझ में आ रही है कौन से नहीं आ रही तो जब तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे सही आंसर करने नहीं लगते हैं हम एग्जाम्पल्स रोकते ही नहीं है जब तक एक खिलाड़ी अच्छा बैट्समैन नहीं बन जाता हम बॉले देते ही जाएंगे देते ही जाएंगे देते ही जाएंगे जब तक वो सटीक और टेक्निकल शॉट मारना नहीं सीख जाता तो दिस इज वॉट इन प्लस प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस वहां पता लगती है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो कि बच्चा कहां स्टैंड कर रहा है बैच के बच्चों को कुछ बल्ले ही पढ़ रहा है तो वो हमको बहुत ब्यूटीफुल टूल्स देता है अन्य लर्निंग एप का प्लस प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे पोल्स के जरिए हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं कल मैंने पूरी क्लास दो घंटे की रेजोनेंस की प्रैक्टिस ली है इफ यू कैन इमेजिन एंड इफ यू कैन कंपेयर कि भैया किस लेवल पर पढ़ाई होती है देन वर्कशीट पूरी तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइव डाउट सॉल्विंग होती है इंटरेक्शन होते हैं वीकली टेस्ट होते हैं डीपीपीज क्विजेस पूरी तरह से बच्चों को इन्वॉल्व एंड बिजी रखा जाता है अपने लक्ष्य के पीछे अपने एम के पीछे है ना गलगार योग्य योद्धा बचेस हमारे तीन है जिसमें से यह ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एक्सपीरियंट है ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेल्थ वाले एस्पिरेंट्स है तो अगर आप उड़ान कोर्स से सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसमें प्राइसिंग ये है तो आपको तीनों बैचेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी मतलब आपको जो चैप्टर जहां से पढ़ना हो जैसे इसमें क्विकली होता है योग्य में फास्ट होता है क्योंकि ये ड्रॉपर्स का बैच है और ये अलगार में इलेवेंथ एकदम स्लो पेस पे चलती है और बहुत बहुत डेप्थ में चलती है और योद्धा में ट्वेल्थ एकदम स्लो पेस पे और बहुत डिटेल में चलती है तो चाहे आप योग्य के हो तो भी आप यलगार और योद्धा में आप जो चैप्टर्स उनको एक्सेस कर सकते हो पढ़ सकते हो चाहे आप यलगार में हो और आपका मूड है कि नहीं मैं तो ग्यारहवीं में बारहवीं भी, भी पढ़ूंगा तो वो भी आप कर सकते हो ठीक है एंड यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम विद दिस कोड उड़ान दिस इज द प्राइसिंग एंड uh, आप हो तो हम हैं सेशन को लाइक कर देना सेशन को शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओके चलो बाय बाय स्वादा के चारा है कोई बात नहीं बेटा बाय सही मैम मेरा बैकलॉग हो गया कैसे करूं मुझे जेई के बारे में बहुत लेट पता लगा बेटा कोई बात नहीं प्रियंका नाम है ना तुम्हारा बैकलॉग हो गया बेटा बैकलॉग किसका नहीं होता यार सबका होता है मम्मी से पूछो मम्मी का बैकलॉग है बहुत सारा घर के काम का पापा से पूछो पापा का ऑफिस के काम का बैकलॉग है और तो और भारत की सरकार से पूछो कितना बैकलॉग है कोर्ट में जाके पूछो कितने फाइल पड़े हुए हैं पेंडिंग कितने केसेस जो है उनकी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है तो बैकलॉग सबका पर बैकलॉग का एक सिंगल की होता है वो करने से होता है शेड्यूल बनाओ बैकलॉग का टाइम सेट करो कि ये चार घंटे दिन के मेरे बैकलॉग के इसके अंदर रिकॉर्डेड सेशन देख देख के मैं पूरा करूंगी ओके प्रियंका बाय बेटा कोमल के तीन आए कोई बात नहीं बाय रहते अरे घबराओ नहीं तुम बहुत अच्छे डिजर्विंग बच्चे हो मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है बाय रितिका बाय कोमल हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी फरीहा सही के तो सिक्स में तो फाइव आए वेरी गुड ठीक है तो प्रियंका बैकलॉग से नहीं घबराएगी और प्रियंका शेड्यूल बनाएगी और अपने बैकलॉग को कंप्लीट करके मोनिका मैम को इन्फॉर्म करेगी ठीक है चलो बाय बाय बट इट इज चैलेंजिंग बट इट इज डूएबल किया जा सकता है ना बाय बाय बेटा लव यू बाय बाय लेट्स क्रैक इट